मेरी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मोबाइल में जूम ऐप में आप अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस को किस तरह ले सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं त्रिवेंद्र सिंह, आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई स्ट्राइक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और देखते हैं कि जूम ऐप में अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को किस तरह ले सकते हैं, वो भी मोबाइल में। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले अपनी जूम ऐप को खोल लेते हैं। जूम ऐप को खोलने के बाद अब हम करेंगे एक मीटिंग को क्रिएट। अगर आपको नहीं पता कि मीटिंग की क्या क्या फीचर्स हैं, किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। हम यहां पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं जल्दी से करता हूं मीटिंग को स्टार्ट। तो यहां पर मैं न्यू मीटिंग पर क्लिक करके इस मीटिंग को कर लेता हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट अ मीटिंग पर क्लिक कर देता हूँ जिससे कि मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं जल्दी से इस ज्वाइनिंग लिंक को अपने स्टूडेंट के साथ शेयर कर लेता हूं ताकि वो जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को ज्वाइन कर पाए और वो भी अपने रोल नंबर के अनुसार। तो यहां पर देखिए मेरे दो स्टूडेंट जो रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट दे दी है कि वो मीटिंग को ज्वाइन करना चाहते हैं। आपके पास इसी तरह से आपके स्टूडेंट्स के रोल नंबर के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट आएंगी। तो आपने क्या करना है, ऊपर से एडमिट ऑल पर क्लिक करके सभी को ज्वाइन करवा लेना है इस मीटिंग में। दोस्तों यहां पर सबसे आसान तरीका जो है जिससे कि आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस ले सकते हो वो है स्क्रीनशॉट। जैसे कि यहाँ पर देखिए जिस तरह मेरे पास रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपके भी मान लीजिए आपके 30 स्टूडेंट हैं तो आपके 30 की लिस्ट इस तरह से आ जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक इशू क्या रहता है कि जब भी आप स्क्रीनशॉट लेते हो सकता है आपने 1 से 10 तक के स्क्रीनशॉट लेने हैं, फिर 10 से 20 और 20 से 30 तक की स्क्रीनशॉट अलग अलग ले लेने हैं 3 बार। लेकिन तो यहाँ पर एक इशू आता है, वो क्या आता है, तो मान लीजिए आपके पास 30 स्टूडेंट हैं और 30 में से जो 10 हैं वो आपको यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं, तो आप अब स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट करते हो तो हो सकता है कि कोई 10 से ऊपर मान लीजिए जो 15 नंबर वाला स्टूडेंट है वो कुछ आपसे पूछना चाहता है, तो वो क्या होगा, वो सबसे ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2 है ना, तो यहाँ से ऊपर उसका रोल नंबर 15 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह हो सकता है कि शफलिंग के कारण आप एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट ले ना पाओ। तो इसका मैं आपको यहाँ पर सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह आप प्रॉपर वे में अटेंडेंस को मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले नीचे म्यूट ऑल पर क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको देखिए सबसे पहले टिक नजर आ रही होगी, तो यहाँ पर आपने इसे अनटिक कर देना है क्योंकि आप अपने स्टूडेंट्स को अब म्यूट करना चाहते हो, उसे परमिशन नहीं देना चाहते उसे अनम्यूट करने के लिए। तो यहाँ पर आपने टिक हटा देनी है। टिक हटाने के बाद नीचे से म्यूट ऑल पर क्लिक कर देना है। तो अब आपका कोई भी स्टूडेंट कोई भी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकेगा बोलकर, तो जिससे क्या होगा कि आपकी अटेंडेंस एक बार सीक्वेंस में रहेगी और सीक्वेंस में रहने के कारण आप प्रॉपरली अटेंडेंस ले पाओगे। और जैसे ही आप अपनी प्रॉपर अटेंडेंस ले लेते हो तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे 3 डॉट पर क्लिक कर देना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद अब आपने आस्क ऑल टू अनम्यूट पर क्लिक कर देना है और सभी को परमिशन दे देनी है, जब भी वो कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो वो अपने माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप अपने स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को ले सकते हो जूम ऐप में, वो भी अपने मोबाइल पर। मुझे यकीन है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देगा, आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। और जाते हुए सब्सक्राइब बटन दबा के ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जब भी वीडियो डालूं आपके पास पहले पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच।